हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट हर बार आपको कोई ना कोई एक नेमिंग रिएक्शंस जरूर पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब डेली बाय डेली दो या तीन नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिससे कि आसानी से हम लोग जो नीट में क्वेश्चन पूछे उससे आसान से कर लें। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो आखिर इटार्ड रिएक्शंस क्या होती है, नीट द्वारा 21 में जो क्वेश्चन पूछा था इटार्ड रिएक्शन से, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा था उसे समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शंस में जो रिएजेंट यूज होता है वो है क्रोमिन क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, जिसे कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बनता है बेंजल्डिहाइड, यानी कि किसी भी अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन जब आप क्रोमिन क्लोराइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें आपको जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं, क्या नीट द्वारा 21 में क्वेश्चन पूछा था उसे भी समझते हैं। हमने ले लिया अल्काइल बेंजीन, यानी कि नाम आपको पता होगा टाल्विन। टाल्विन की रिएक्शन हमने CrO2Cl2 की प्रेजेंस में एंड CH2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया, तो एंड प्रोडक्ट तो हमें बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन जो बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यही नीट 2021 में पूछा था। नीट 2021 में यही क्वेश्चन आया था कि बीच का जो प्रोडक्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है। तो हमने देखा कि CrOH Cl2 का होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है बेंजल्डिहाइड। ये तो होगी पूरी रिएक्शन। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं कि इतना हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए साइड चेन के रूप में यहाँ पे तो CH3 दिया, अगर साइड चेन बढ़ा दे तो कैसे रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे उसे अब हम लोग ट्रिक से समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन दे दे, एग्जाम्पल में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इस पे अगर CH2 CH2 CH3, और बोल दे रिएक्शन में कि यहाँ पे आप CrO2 Cl2। देखिए, आपको रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि रिएजेंट ही क्वेश्चन में बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये रिटार्ड रिएक्शन है। आप रिएजेंट को याद कीजिएगा, क्योंकि रिएजेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो रिएजेंट है वो रिटार्ड रिएक्शंस की रिएजेंट है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे दिया और पूछ दिया कि एक्स क्या बनेगा, यानी कि हमें रिएजेंट तो दे दिया, रिएजेंट भी दे दिया और रिएक्टेंट भी दे दिया, और प्रोडक्ट पूछ रहा है कि यानी कि एक्स क्या बनेगा। तो इस एक्स को निकालने के लिए हमने बोला कि आपको पहले, सबसे पहले इस रिएजेंट को देखना है कि कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट, यानी कि CrO2Cl2, यानी कि क्रोमिन क्लोराइड जो है वो इटार्ड रिएक्शंस को शो करता है, हमें सोचना है पड़ेगा। और इटार्ड रिएक्शंस में क्या बनते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रिक के थ्रू हम बता रहे हैं आपको कि जो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि ये CH3 है, देखिए जो मेन कंपाउंड से जो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या अल्काइल कार्बन प्रेजेंट होगा, उसी को आप CHO में कन्वर्ट कर देंगे, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर इसमें हमको कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, CH2 CH2, और हमने बोला कि टर्मिनल ग्रुप को आप CHO में कन्वर्ट कर दीजिए, CHO, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना आसान ट्रिक है ये, आपको इटार्ड रिएक्शन आसानी से समझ में आ चुका होगा। पहली बात कि इसमें बनता क्या है बेंजल्डिहाइड, ये ध्यान में रखना है। और जो अगर लंबा कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे जो सबसे टर्मिनल पोजिशन पर जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको आप CHO में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज दी आपका मेन प्रोडक्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।